नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में समीकरण दो सीटों पर आकर फंस गया है। आपको हमने शुरू में ही कहा था, जब उपचुनाव की घोषणा तक नहीं हुई थी, कि उपचुनाव बिहार में दोनों गठबंधनों का जो असली लिटमस पेपर टेस्ट है वो करके दे देगा। बिहार में एनडीए गठबंधन तो थोड़ी देर में स्पष्ट करने जा रही है कि उनके प्रत्याशी कौन कौन होंगे और जदयू को दोनों सीटें मिली हैं या नहीं। ये तो स्पष्ट है कि जदयू को ही मिलेंगी, लेकिन महागठबंधन में मामला फंस गया है। कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर कांग्रेस अड़ गई है। कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि जीते हुए व्यक्ति को 53,000 वोट आया था और हारे हुए को 46,000। वोटों का मार्जिन बहुत कम है, 5 से 7 हजार के बीच में। इस मार्जिन को हम कभी भी पाट सकते हैं। इसमें हमारा साथ तेजस्वी यादव को देना चाहिए। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने जो सीटें हमें दी, हमने स्वीकार कर लिया। कमजोर सीटों पर भी चुनाव लड़े, लेकिन अब कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर तब मामला और बढ़ गया था जब तेजस्वी यादव ने दोनों सीटों तारापुर और कुशेश्वर दोनों पर अपना दावा कर दिया था और दोनों पर प्रत्याशी भी घोषणा करने जा रहे हैं। सीधी बात है, यानी इन दोनों सीटों पर कांग्रेस को पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के बिहार के प्रभारी ने स्पष्ट कर दिया है और सीएलपी लीडर ने भी कि इन दोनों सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति में कांग्रेस नहीं है। और जब से कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस में से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी आत्मबल बढ़ गया है और इसे कांग्रेस के नए तरीके से अपने आप को रिवाइव करने को लेकर, एकदम स्वावलंबी होने को लेकर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कन्हैया कुमार से तेजस्वी यादव को भी दो दो हाथ करने पड़ सकते हैं, लेकिन वो सब तो बाद में होगा। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में भीड़ जुटाने के लिए क्या कन्हैया का उपयोग किया जाएगा, क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार को तेजस्वी के खिलाफ उतारेगी, इन सारे सवालों को फिलहाल अगर एक तरफ कर देते हैं तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि लालू यादव का इन सब पर क्या मंतव्य है। स्पष्ट बता दूं आपको कि लालू यादव ने दोनों सीटों को अपने पाले में कर लिया है और उन्होंने अलग अलग माध्यमों से ये बात स्पष्ट कर दी है कि दोनों सीटों पर राजद ही चुनाव लड़ेगी और दोनों सीटों पर जो प्रत्याशी हैं वो लालू यादव खुद ही तय करेंगे। यानी बिहार में राजद और कांग्रेस का गठबंधन टूटा हुआ ही मानिए। अगर आप नहीं मानते हैं तो मत मानिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने तथ्य आपके सामने रख दिए हैं, विशेष आप तय कर सकते हैं अपने स्वविवेक से और हमारे द्वारा दिए गए जानकारियों से कि बिहार में गठबंधन जो है महागठबंधन वो किस तरफ जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगली खबर में मुलाकात कीजिए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।